5 लाख रुपए का लालच देते हैं व एक आवास का लालच देते हैं और समझौते में एक कागज दिखाते हैं। अगर जो मामले को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी लखीमपुर डीएम साहब की होगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं 18 तारीख को मृतक पासी आकाश भार्गव के घर गया था, पीड़ित परिवार से मिला था और वहाँ पे ज्ञापन दिया था कि ये हमारी मांगे हैं परिवार की तरफ से। और जब मैं वहाँ से ज्ञापन वापन दे के सबसे मिल के निकला, उसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल कानून गो 5 लाख रुपए का लालच देते हैं व एक आवास का लालच देते हैं और समझौते में एक कागज दिखाते, उसमें लिखा होता है आकाश भार्गव की उम्र 22 साल है और दुर्घटना योजना के तहत, मतलब आप देखिए पुलिस कस्टडी में मौत हुई है लेकिन उसको दुर्घटना दिखाया जा रहा है। ये देखिए भैया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए बयान आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इस पे साइन करवाना चाहते थे नेकपाल और कानून को, ये कौन करेगा, ये और देखिए आवास का भी लालच दिया गया, इसमें बाकायदा फोटो वोटो भी लिए गए, नाम पता सब भर दिया गया था। ये तो बहुत परिवार के लोगों ने हमको फोन करके कागज भेज दिया, बोल रहे थे बयान पर साइन कर दो और 5 लाख रुपए ले लो, एक आवास ले लो। मतलब पुलिस कस्टडी में मार खाने से आकाश भार्गव की मौत हुई, उसको दुर्घटना दिखाने का पूरा षड्यंत्र था। भैया और 5 लाख रुपए में मामला खत्म करना चाहती थी वहां की राजस्व टीम, भैया अब फिर से बता दें मेरी आवाज़। अरे वो मेरी फेसबुक पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी फेसबुक पे बयान वयान सब पड़े हुए हैं शायद, और नहीं पड़े होंगे मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो बयान में आकाश, देखिए आकाश नाबालिग है, 12-14 साल का है, उसको 22 साल का दिखाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर वहाँ की राजस्व की टीम शासन प्रशासन चाह रहा है कि मैं मामले को दबा दूं, तो ये मामला दबेगा नहीं, मैं बता देना चाहता हूं। शासन प्रशासन ध्यान दे ले, न्याय चाहिए, न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं लखीमपुर के सभी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अगर ये उन दोषियों को पदमुक्त करके जेल नहीं भेजेंगे तो हम लोग कुछ दिन में डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता उसी समय दिख गई जब मैं निकला और ये लोग ये सब लेके पहुंच गए। और उस मुहिम में ग्राम प्रधान भी
परिवार को भड़काने काम कर रहा है, डराने काम कर रहा है। आप समझ लीजिए, तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे सभी लोगों से सावधान रहे। जो आकाश भार्गव की हत्या को दुर्घटना में बदलना चाहते हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान दीजिएगा, आपका परिवार है, आपका अपना परिवार है, बच्चा गया है, और यही कोई सामान्य वर्ग की बिरादरी का बच्चा होता तो अब तक ये जेल चले गए होते, सारे पुलिस वाले जेल चले गए होते। लेकिन ये एससी बिरादरी, एससी कैटेगरी में पासी बिरादरी का बच्चा था, जो समाज नेता विहीन है, उस समाज के नेता कोई साथ नहीं देते, क्योंकि वो नेता दलित हैं, हरिजन हैं, इसलिए पासियों का साथ नहीं देते हैं, वो दलित और हरिजनों का साथ देते हैं, जबकि दलित और हरिजन कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को दलित और हरिजन कह कर के, देखिए ये तो अत्याचार कर ही रहे हैं, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, हमारे भाइयों को फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप लोग भी, हमारा जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और जो बहुत सारे नेता हैं, ये भी हमारा अपमान करते हैं, दलित दलित कहते हैं, हमारे भाइयों का अपमान करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी लड़ाई लड़ें या ना लड़ें, लेकिन मेरे समाज को दलित मत बोले, ठीक है, हम लोग लड़ लेंगे अपनी लड़ाई, आप जिसको राजनीति करना हो कहीं और करे जाके, लेकिन हमारे भाइयों को दलित मत बोले, आप हमारी लड़ाई लड़ें, हमारी आवाज़ बने या ना बने, लेकिन दलित मत कहिएगा। हम लड़े हैं, कमज़ोर पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं दलित और हरिजन है ना। पारसी समाज को दलित हरिजन जो कहेगा, उसकी राजनीति ख़त्म करने का काम हम लोग करेंगे, एकदम खुल के विरोध करेंगे। मैंने कई जगह पर देखा, बार बार कई मीडिया में दलित आकाश पासी दिखाया जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में इन लोगों के खिलाफ FIR भी होगी, जो लोग पासी समाज को दलित शब्द नवाजेंगे, मैं एकदम खुल के बता रहा हूँ, उनके खिलाफ FIR हम लोग खुद करवाएंगे। और मैं लखीमपुर के अपने सभी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, कमर कस लीजिए, अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा तो मैं भी देखना चाहता हूँ लखीमपुर में अत्याचार की हद होती है ना। अगर आप न्याय नहीं दोगे परिवार को, तो अपनी लाठियां कस लेना महोदय, हम लोग लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, हम लोग लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरी लखीमपुर खीरी के पासियों को जगा के जाएंगे और DM कार्यालय का घेराव करके मानेंगे, देखेगा पूरा भारत देखेगा। मत करिए, मत दीजिए न्याय। उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकला, खून की उल्टियां हुई, 50,000 मांगे गए, परिवार के साथ खेत गिरवी रख के 20,000 रुपए दिया, तब आकाश को छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा थाने बाहर आया, उसे खून की उल्टियां हुई, और फिर हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकला। अरे भाई, पेट्रोल तक डाला गया होगा उसके प्राइवेट पार्ट में, पासी आकाश भार्गव के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल तक डाला गया है, नहीं तो ऐसे ब्लड नहीं निकलता। और आप उन लोगों को बचाना चाहते हो, और संवैधानिक पद पे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग पासियों को बागी बनने पर मजबूर कर रहे हैं, आप लोग लाइव चल रही, बैठो यार, ठीक है, लाइव चल रही, बैठो, हाँ बताओ, आप बताओ मिले, चलो ठीक है, आप अभी नहीं मिले ना, अभी नहीं मिले, हम तुमका बताए कोई टाइम टाइगर के साथ आए हो, ठीक है, आप हजर एकदम चले गए, वही जाए सही करवा लो कि फोटो कापी होकर निकलवा लो, तो हजरतगंज चले जाओ सीधे, वहाँ पूछ लो कि आधार कार्ड था, सीधे जाना हजरतगंज हलवा से, वहीं ऑफिस है,
अरे पूछ लेना आधार कार्ड में हमको डेट ऑफ बर्थ सही करवाना है, ठीक है? जाओ सीधे निकल जाओ, लाइट चलने फिर बाद में बात करो, ठीक? जाओ सीधे हजरतगंज जाओ, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के आगे हैं। तो भैया आप ये देख लीजिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। और अभी बाराबंकी में थाना सत्र के अंतर्गत कोई उमेश वर्मा है, वो कोई लड़के पासी समाज के बच्चे को गाली दे रहा, कह रहा पूरे पासी समाज को देख लेंगे, माँ बहन की गाली दे रहा है, और जो उखाड़ रहा उखाड़ लेगा तुम्हारा समाज। तो मैं थाना सत्रिक जी को कहना चाहूँगा और बाराबंकी प्रशासन से कहना चाहूँगा, पहले जो मुकदमा पंजीकृत था उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई, और ये भी मुकदमा एप्लीकेशन दे दी गई है, और मुकदमा लिख के तुरंत कार्रवाई करिए। क्यों पासियों को बागी बन में मजबूर कर रहे हो? उसी तरीके से सताते हैं, हम भी देखना चाहते हैं, और लखनऊ के बहुत सारे पासी भाई देखना चाहते हैं, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें देखना चाहती हैं हमारे साथ में। आप दिखाइए कि आपकी लाठियों में कितना जोर है, हम दिखाएंगे कि हमारे जन आक्रोश में कितना जोर है। अगर आप नहीं सुनोगे तो हमको संवैधानिक अधिकार है, और हम आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे। अगर आप चाहते हो कि लखीमपुर खीरी अत्याचार मुक्त हो, तो लखीमपुर खीरी अत्याचार मुक्त होगा, और हमारी लोग की नज़र लखीमपुर खीरी पे ही रहेगी। महोदय, जिस तरीके से हमारे समाज को वहाँ पे दबाया जा रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पासी आकाश भार्गव को न्याय नहीं मिला, तो हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैं वादा करता हूँ, अगर न्याय नहीं मिला तो आपको बता दें कि जो लोग न्याय नहीं दे रहे हैं उनको एक वोट तक नहीं मिलेगी, एक पासी समाज की एक व्यक्ति की वोट नहीं मिलेगी। आप संभाल लीजिए, अब खुल के विरोध भी होगा, खुल के विरोध होगा। मैं पूरे शासन प्रशासन को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग दोषी हैं आरोपी हैं उनको आप लोगों से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, परीक्षा मत लीजिए महोदय, उनको तत्काल पद मुक्त करके जेल भेजें और पीड़ित परिवार को न्याय दें। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप न्याय दीजिए। हमको कोई राजनीति नहीं करनी है, ना किसी को करवाना है, हमको न्याय चाहिए बस, आप न्याय दीजिए। हमने इसलिए ज्ञापन भी दे दिया है, और परिवार की यही मांग है, और गरीब परिवार है, कुछ आर्थिक मदद हो जाए महोदय, एक परिवार को सरकारी नौकरी मिल जाए बच्चे को, क्या पासी समाज के लोगों का अधिकार नहीं है इन सब चीज़ों पर? ध्यान दीजिए महोदय, हाथ जोड़ के निवेदन है, क्यों आप मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को बागी बनने पर? मत मजबूर करिए, न्याय दीजिए। संविधान सबका सबके लिए बराबर हक अधिकार रखता है, आप लोग क्यों न्याय नहीं दे रहे हो? हाथ जोड़ के निवेदन, आज हाथ जोड़ रहे हैं महोदय। अगर हाथ जोड़ते हुए आप नहीं देखोगे तो हम लोगों को नियम कार्यालय पर देखोगे धरना प्रदर्शन करते हुए। हाथ जोड़ के निवेदन है, इसलिए न्याय दे और हमारे परिवार को दबाया न जाए, गुमराह मत किया जाए, फर्जी कागजों पर साइन मत करवाया जाए। काहे परीक्षा ले रहे हो? कोई लेखपाल और कानून को के यहाँ तत्काल जवाब पूछा जाए कि तुम काहे गे रहो और ये सब काहे बना दे रहे हो? एविडेंस है लेखपाल साहब, लेखपाल साहब एविडेंस है, कानून को साहब और मिश्रा जी कानून को आपको बता दी, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि नौकरी तक जाएगी। अगर एक गलती करोगे तो नौकरी तक आपकी हम लोग खा जाएंगे महोदय, इतना समझ लीजिए। तो परिवार को गुमराह करके कोई साइन करवाने की कोशिश मत करिएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ, यहीं से अपनी वाणियों को